भी आपकी कामना है तुरंत सोच लें, जो भी कामना पहला दिन है हर कामना पूर्ण होगी। और जो सत्संग चैनल पर इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी अपने घर में बैठकर जहां भी बैठ के सुन रहे हैं, आप भी मन में संकल्प लीजिए, झोली फैलाइए, जो भी कामना है, भाई लोग हाथ भी फैला सकते हैं। माताएं सौभाग्यवती नारी सिर पर पल्ला कर किस कथा को सुने, तुरंत पूछा, हे सूत महाप्राण, शिव महापुराण का पहला श्लोक प्रवेश कर दिया है मैंने, इस श्लोक समझ में आए ना आए पर कानों से सुनने पर भी उस श्लोक का उतना ही फल मिलता है जितना समझने में मिलता है। हे सूत महाप्राण, सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्या ही में कथा सारम पुराण नाम विशेषता, जीवाश्च सुरताम प्राप्ता पयो घोरे विराय, तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमायन, यदस्ति वस्तु परश्रेषां श्रिये उत्तमम, पावनम पावनानां च साधनम तद्वदाधु। सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने नैमि सारण की तीर्थ में पुराणों की कथा सुनते हुए पूछा, हे सूत जी महाराज, कलयुग के अंदर सारे लोग बहुत दुखी हैं, कोई शरीर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई कारोबार से दुखी है, कोई आचार से दुखी है, कोई संस्कार से दुखी, कोई व्यवहार से दुखी, कोई सरकार से दुखी, कोई रिश्तेदार से दुखी, कोई कारोबार से दुखी है। कलयुग के लोग रोज पूजा पाठ करते हैं, व्रत भी करते हैं, दान भी करते हैं, ग्रंथों का पाठ भी करते हैं, संतों का सत्कार भी करते हैं, राष्ट्र से प्यार भी करते हैं, लेकिन कलयुग के घरों में कोई सुखी नहीं है, कोई न कोई दुख जरूर बना हुआ है। हे महाराज, कोई ऐसा छोटा सा उपाय बताइए जो पढ़ा हुआ लिखा भी कर सके, अनपढ़ भी कर सके, गरीब भी कर सके, धनवान भी कर सके, ऐसा कोई उपाय बताओ कि कलयुग के भक्तों के जीवन में होने वाली चिंता, समस्या, परेशानी, नादानी, अभिमानी, अज्ञानी, जो भी कष्ट है, दुख है, चिंता है, समस्या है, उसका निवारण हो जाए। आप जितने कथा सुन रहे हो, सच बताओ, सूत जी से तो सोनक आदि 88,000 ऋषि कह रहे हैं, पर क्या आपके मन में ऐसा नहीं कि आप महाराज हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारे नगर का नहीं पूरे देश प्रदेश के लोगों का इस कथा से कष्ट, दुख, रोग, समस्या, चिंता से मुक्ति हो जाए, भोलेनाथ की भक्ति मिल जाए, जीवन को जीने की शक्ति मिल जाए, गृहस्थ को चलाने की युक्ति मिल जाए और मेरे भोलेनाथ की कृपा हो जाए। कितने लोग सुनना चाहते हैं, हाथ खड़े करके बताएं, क्या बात है, तो हाथ जोड़िए आप भी। सोनक जी 88,000 इसी सूत जी से कह रहे हैं, आप हमसे कहिए तभी तो कथा शुरू होगी। सूत जी महाराज ने सुना, सुन के प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया ऋषियों को, मैं भी आपको दे रहा हूं जो आपने मुझे बुला के इसी कथा को सुनाने हेतु मुझे विराजमान किया है।